फ्लेक्सिबल रहेगा या कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इस बात के अंदर। इसको क्लियर आप लोग सभी लोग एक फ्लेक्सिबल है। जब जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो प्रशासन हम लोगों से बात करता है और समन्वय बनाकर हम लोग काम करते हैं। जब माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मध्य प्रदेश के अंदर फॉलो करवाने की एक आदेश जारी किया, जिसके बाद कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को बुलवाया। हम लोगों से जो पहली बात हुई आप लोगों के सामने, मैं उसका तस्करा करना चाहता हूँ कि जो भी डेसिबल तय हुआ है, चार हिस्सों के अंदर डेसिबल तय हुआ है, तो सबसे पहले तो माइक के द्वारा जब हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम कैसे इसको नापेंगे या कैसे हम समझे इसको, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि सबसे पहले तो हम लोग हर जगह इबादत गाहों में, मस्जिदों में, मंदिरों में जाकर पहले उसका माप तय करेंगे। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन प्रशासन ने एक और मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद मस्जिद वालों को भी बुलवाया, कमेटी के जिम्मेदारों को बुलवाया। उसके बाद लोगों ने सहयोग करके चिलम मस्जिदों से हटा ली। ये लोगों ने सहयोग करा जिला प्रशासन को। दो चिलम का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में है कि दो चिलम आप लगा सकते हो डेसिबल सेट करके। उसके बावजूद खंडवा के लोगों ने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपनी अपनी इबादत गाहों से, अपनी अपनी मस्जिदों से सारी के सारी चिलमें उठा ली, एक रहने दी। प्रशासन ने उस वक्त ये कहा था कि विधिवत हम आपको परमिशन देंगे, आप परमिशन मांगो। बकायदा लोगों ने आवेदन किया, तमाम मस्जिद वालों ने करा, गुरुद्वारे से भी हुआ होगा, मंदिरों से भी हुआ होगा। अब आज प्रशासन हमको ये कह रहा है कि आपको सारी चिलम में उतारना है, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से। मेरा प्रशासन से एक सवाल है, दो जगह का हवाला दिए सर ने, बड़वानी का और खरगोन का, आप इंदौर का हवाला दो, एक भी चिलम वहां हाथी नहीं है। आपने बड़वानी खरगोन का हवाला दिए, वहां से चिलम में पूरी उतार दी। हो सकता है प्रशासन से समन्वय तय हो गया होगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हम लोग सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये नास्तिकों का देश नहीं है। ये धर्म के आधार पे ही ये देश जो है चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। डेसिबल तय करो, आप माइक की आवाज को कम करवाओ, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप ये कहो कि मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से और गिरजाघरों से आप जो है चिलम के सिस्टम को हटा लो। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, आदेश जो भी हो तमाम लोग उस चीज का पालन करेंगे, लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इबादत गाहों से अजान की आवाज, कीर्तन की आवाज, भजन की आवाज और इसको आप लोग बंद करके नास्तिकता का सबूत दें। हम लोग सब धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कानून के साथ चल के प्रशासन की मदद करने वाले लोग हैं। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कानून के अंतर्गत हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करे ताकि फिर हमको मजबूरन सड़कों पे आना पड़े। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। बहुत बहुत